पाँच बरस हमिक आशा धरा के कुछ ना दल उ बेचारी जीत रही तो हमिक सब कुछ दिल रही हमिक वोट देव सन दूरा प्रदेश के देव सन जब देव सन फसल के ये करेंगे वो करेंगे हम लोग दाम देवे आज तक लिए कुछ नहीं मिला कुछ नहीं ले लेकर ब्लॉक में और सब 12,000 मिला था तो 2,000 सब ले लिया आ 10,000 रुपया तो अभी वही नहीं करता है। संसद जो था ये थी ओम प्रकाश भी नहीं आ रहा है। सड़क हम बना देंगे इतना पानी आ जाता है यहाँ चलने फिरने में गजन होता है। नमस्कार, मैं रफीक अहमद, न्यूज इंडिया तक के इस खास प्रोग्राम में मैं आज इस वक्त पंचायत बालापुर में मौजूद हूं। गांव का क्षेत्र है, यहां पे ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार के विकास के काम हुए और किस तरह की बातें जो हैं जो होती आई है 2014 से उसमें लोगों की क्या राय है। हमारे बुजुर्ग, हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है वो इस वक्त इनकी प्रतिक्रिया और उनकी जानकारी के लिए मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या जो सिवान में उठी हुई दो महिला प्रत्याशी हैं क्या वो लोग वोट ये बात पर देंगे कि विकास का काम हुआ या फिर यहाँ पर वो वोट देंगे कि जो पूरे देश में सांप्रदायिकता के रंग को रंगने की कोशिश होती है, हिंदू मुस्लिम करने की बातें होती हैं, उस पर वोट देने की बात होगी। हम जानने की कोशिश करेंगे एक और सबसे महत्वपूर्ण पहलू कि सिवान में ऐसा पहली बार होगा कि कोई महिला प्रत्याशी सांसद बनेगी। अगर कोई जीतती है या तो वो जदयू की कविता जी हैं या फिर वो आरजेडी की हेना साहब हैं और इसके अलावा भी दूसरे पार्टी के भी प्रत्याशी हैं, लेकिन चूंकि उनके पिछले 2-3 रिकॉर्ड को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि वो दौड़ में तीसरे नंबर पे हैं। तो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे बालापुर की महिलाओं से कि चाची वोट दे नहीं रहुआ। हाँ। अच्छा, तो वोट देवे खातिर का देखे नहीं, मतलब कि काम भइला कि ना भइला, जा शौचालय बनल है कि ना, कुछ नहीं के का है बनाई लो हले ना तो हुई कहां से बनाई लोगे कबो नहीं के बना ना का है नेता कहां आवेला लोग आ वोट मांग के चल जाला लोग बस उनका लोग के वोट मिल गई हो गई काम। हाँ बस इतने बा और कोई कुछ दे वाला नहीं। तो अभी जो ना के चुनाव होता सांसद के चुनाव होता हाँ। एमपी चुने खातिर हाँ। लोकसभा के चुनाव तो लोकसभा चुनाव में के उठल बा मालूम बा ना ये मालूम नहीं के मतलब कि आरजेडी के नेता बा जदयू के नेता के बा उठल बा के नाम नहीं के मालूम ना हमरा बाबू मा तो अभी एबर जो दू गो प्रत्याशी जो मेन जदयू से कविता देवी जी हैं और एगो हैं हेना साहब जी हैं तो उसमें से अगर चुनना होगा तो किसको चुनिएगा लोग हेना के चुनब से मतलब का है का है ना हमने के हीने के वोट देबे करब से हां हीने के वोट देब से केहू के वोट ना काहे चाहे लाख कुछ हो जाए मन हमने के हीना के वोट देब से कुछ काम कर एजा से भइला आरजेडी के ना भइल कुछ माने को हमने के देब से हीने के। अच्छा तो ये हाँ। दूसर बात ठीक क्या कहेंगे चाची हमनियो के ये हम के राशन कार्ड बा इकुल बा तो कुछ मिलल बा हमनी के कुछ नहीं के मिलल ना कुछ ना हमनी घर जल के देख लो कैसन बा तब हमनी के चली ना देख लो ना घर ना राशन बा ना सिफ्टी के हमनी के पैसा मिलल कुछ नहीं के हमनी के भाई। अच्छा हां जननी क्या कह रही चाची हमनी कुछ नहीं के मिलल ना राशन कार्ड बा ना घर बा ना कुछ बा हमनी तो वोट देने जाती है ना आप लोग। हाँ। तो वोट देने जाइएगा नेता लोग मिलने आएंगे तो उनसे बोलिएगा ना कि हम इसलिए वोट देंगे हमको हाई हाई सामान जो है नहीं है। वोट गिरेला तो नेता कहाँ आवेला लो केहू ना आवेला केहू जे नेता बावे लोग जो उठाता है इब्रा उलो भेटाई लोग तो कहें हाँ पहचान ना कि हम के कुछ नहीं खे मिलल। अच्छा हमने के वोट देब से तो हीने के देब से। अच्छा हाँ चाचा वोट देते हैं आप? हाँ वोट देते हैं। वोट देते हैं क्या देख के वोट देते हैं मतलब कि कोई नेता काम अच्छा किया है आपसे भेंट करता है कि आपका दुख सुख का पूछता है? अब तो वोट के बाद तो कोई दुख पूछने नहीं आता है कि भाई कहा तुम लोग का दुख है कहा नहीं है उसके बाद तो कोई अभी नहीं करता नहीं आता तो क्या कहेंगे हम ऐसा तो सब तो मतलब अभी अभी जो चुनाव हो रहा एगो लालू जी की पार्टी है एक नीतीश जी की पार्टी है यहाँ पर और एक माले है तो चुनाव में वोट दीजिएगा तो क्या देख के दीजिएगा किसको दीजिएगा? अब देखेंगे कि किसका पलड़ा ऊंचा होता है उसको दिया जाएगा। अच्छा, पलड़ा जिसका तो ठीक है अपना मतलब कुछ है जो आप लोग देख के बोलेंगे कि किसको वोट देंगे क्या देंगे? हाँ चाची अब देखिए सबसे बढ़िया बात यह है कि महिला प्रत्याशी है दो ठो आप लोग चाहिएगा कि महिला प्रत्याशी जीते तो महिला जीते चाहेगा तो उकरे के जीतेगा। हाँ तो मतलब क्या है महिला लोग जीतेंगी तो आप लोगों का काम थोड़ा आसान हो जाएगा जाके बात कर लीजिएगा मिलिएगा
तो आसान वहाँ का सोचे गए तब न हम लोग के जो हम के राशन पार्टी वोटी करब तब न हम निकल हाँ सब हम निकाट के कुछ बा न तिल के न राशन गाँव के कुछ न एक क्विंटल मिलत रहल अच्छा एक और ही बात रहे चाची कि चुनाव के बेरा ढेर वादा भइल रहे मोदी जी के द्वारा कि हम शौचालय बनाएंगे नौकरी देंगे वृद्धा पेंशन देंगे है ना कुछ कुछ हुआ है इस तरह का कुछ ना भाई मनवा दल सुनने के कुछ ना दल कुछो नहीं खे दे ले कह के कुछ नहीं खे दे ले इतना रोए कोई सर ने नहीं काम नहीं के लेटिंग के जो ना एक पैसा दे लो घर के ना लेटिंग के आदमी हम दूसरा को घर में रह ले हमरा घर नहीं के हां हमरा चार गो बच्चा हमरा आदमी के एगो प्रोग्राम आइल रहे कि घर बनवा के देंगे गरीब को तो कहाँ कुछ कोई कुछ ना कोई ना कुछ न जान तक के वो लेटिंग के पैसा मिल गया ना कोई को मिला गैस कुछ ना कुछ ना कुछ ना बाबू क्या है गैस ना क्या मिला हमने और नजदीक आ जाए गैस कहाँ मिला गैस ना क्या ना हमने गैस ना क्या कोई लोग राशन कटने को तो गैस ना मिली अच्छा तो अच्छा अच्छा मान लीजिए कि अभी कोई सांसद जो दो ठो उठ रहे हैं वो अगर आएंगे यहाँ पर तो मतलब आप लोग क्या उनसे कहिएगा कि हमको क्या चाहिए चहेट देव सा हम के ही ना कही भूट देव सा हाँ चहेट देव सा तू कौन होगा तू पांच वर्ष हम के आशा धरा के कुछ ना दल उ बेचारी जीत रही तो हमको सब कुछ दे रही आ उनका कम के भोट देव सा दूरा पर चहेट देव सा जब देव सा तही ना के देव सा तने अब चाचा लोग से तने पूछ लिया जाए भाई लोग से पूछ लिया जाए कि चाचा अब आप लोग गांव में हैं खेती करते हैं किसान हैं किसान से संबंधित बहुत सारा प्रोग्राम आया था कि हम फसल योजना लेकर आएंगे उस पर अच्छा रेट मिलेगा उस पर अच्छा दाम मिलेगा कुछ गांव में दिखाई देता है इस तरह नहीं नहीं है? कुछ नहीं आया यहां लगा सिविल उसमें बोल कर गया कि हम लोग फसल के ये करेंगे वो करेंगे हम लोग दाम देंगे आज तक के लिए कुछ नहीं मिला कुछ नहीं मिला आया और गया कुछ नहीं मिला तो मोदी जी तो बता रहे हैं देश भर में कि पूरा हम किसान के लिए ये कर नहीं नहीं कुछ नहीं मिला है बहुत सारा प्रोग्राम कुछ नहीं मिला है नहीं मिला है नहीं मिला है शौचालय बना है नहीं शौचालय नहीं दो चार ठो बना है उसको पैसा मिला है अच्छा हाँ दो चार ठो गाँव में है पैसा मिला है बाकी लोग का कुछ नहीं मिला है पैसा जिनको मिला है वो भी लोग शिकायत कर रहे हैं कि दो हजार रूपया दो हजार रूपया ले लेकर ब्लॉक में आ सब 12,000 मिला था तो 2,000 सब ले लिया और 10,000 रूपया गरीब को दिया अच्छा चाचा तो ये बताइए कि अगर बच्चा लोग के लिए कोई स्कूल वगैरह खुला है इधर नहीं नहीं खुला कुछ काम नहीं खुला है हाँ भैया अच्छा मोदी जी एक और आपके लिए लेकर आए थे प्रोग्राम स्किल इंडिया के तहत कुछ मतलब कि लोगों को सिखाएंगे स्किल वाला काम और उसके बाद वो कमाएगा तो कुछ आप लोग का हुआ इधर गाँव में कुछ भी नहीं हुआ कुछ भी नहीं हुआ तो आपके विधायक जो सांसद हैं इधर आते हैं कोई भी नहीं आता ओ तो पियक्कड़ है विधायक तो अभी भी नहीं करता है संसद जो था ये थी ओम प्रकाश भी नहीं आ रहा है यहाँ ऐसी सड़क देखिए बोल कर गया कि सड़क हम बना देंगे इतना पानी आ जाता है यहाँ चलने फिरने में गजन होता है चलने फिरने में गजन होता है कुछ नहीं देखने के लिए नहीं आया शाम बहादुर आए थे बोले पहले वोट के पहले कि हम लोग सड़क बना देंगे इस पहले ही सड़क बनेगा आज तक लिए झांकी नहीं पा रहे हो नहीं बात है गांव में ये है एक हम लोग गांव-गांव में घूमकर महिलाओं के और हमारे बुजुर्गों के और किसानों के हालात को जानने की कोशिश कर रहे हैं मकसद सिर्फ एक है कि जो बातें हम लोग टीवी पर बड़े बड़े चैनलों पे देखते हैं बड़े बड़े नेताओं के जरिए देखते हैं क्या वो स्कीम क्या वो नीति जमीन पर इन लोगों तक पहुंचती है कि नहीं यही जानने की हम लोग कोशिश करते हैं तो ये और भी हम आखिरी एक सवाल पूछेंगे आप लोग से कि ये बताइए कि अब अगर कोई नेता आके बोलेगा कि हम नौकरी दे देंगे हम कुछ करेंगे या फिर कभी कभी आप लोग देखी होंगी सुनी होंगी कि हिंदू मुसलमान के नाम पर बड़ा वोटिंग होता है कि भैया आप हमारे जात के हमारे धर्म के हैं तो धर्म के नाम पे वोट दीजिएगा आप लोग ना हम कहीं ना धर्म के नाम पे वोट ना 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 दिए वोट धर्म के नाम पर कैसे दिए झूठ बोल के चले तो वोट दिए अच्छा तो मतलब ठीक बात है धर्म के नाम पे वोट उठना होता है ना हाँ क्या चाची धर्म के नाम पे वोट दें केहू बोले कि तू हमार धर्म की बात तो हमरा के दब वोट
तो आप देख सकते हैं कि देखिए गांव-गांव में लोगों के बीच में ये जागरूकता है कि धर्म जात के नाम पर जो राजनीति पूरे देश में करने की कोशिश की जा रही है वो चीज नहीं है जमीन स्तर पे। एक ही गांव में लोग हर जात धर्म के लोग रहते हैं, साथ रहते हैं, मिलके रहते हैं, बात करते हैं, एक पेड़ के छांव के नीचे बैठकर सत्तू खाते हैं, गांव की अगर बात करें तो भुजा खाते हैं। लेकिन बात जब आती है जब नेशनल लेवल के पॉलिटिक्स की तो वहां पर फिर जात धर्म आके सारा खेल खराब करने की कोशिश की जाती है। तो आप सबसे यही गुजारिश है न्यूज़ इंडिया तक की, काम पूछिए, उनसे कार्य पूछिए, उसके बाद उनको चुने। बहुत बहुत धन्यवाद।